हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दीपाज किचन कॉस्मेटिक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करें कसूरी मेथी के बारे में। कसूरी मेथी तो हम सभी की किचन में होती है, इसको हम सभी लोग डिश में इस्तेमाल करते हैं। मार्केट से तो हम लोग लाते हैं, इसकी क्रंचनेस अच्छी रहती है, इसका कलर और फ्लेवर दोनों ही बरकरार रहते हैं, मगर कुछ दिनों के बाद इसका कलर, फ्लेवर, उसकी क्रंचनेस दोनों ही बेकार हो जाती है। तो मैं आज आपको दो टिप्स दूंगी जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी कसूरी मेथी को लॉन्ग समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। पर उससे पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। फ्लेम को ऑन करेंगे, फ्लेम को धीमा ही रखें। कसूरी मेथी लेंगे, 1 से 2 मिनट तक हम चलाते हुए इसको भूनेंगे। जब इसका कलर थोड़ा सा हल्का डाउन हो जाएगा तो समझिए ये भुन चुकी है। फिर हम इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके हम इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लेंगे। एक तरीका तो ये हो गया, मगर इस तरीके से एक तो इसका कलर बेकार हो गया, इसका फ्लेवर भी भुनने से अच्छा नहीं रहता है। अब मैं आपको दूसरा टिप देती हूँ। मैं इसी तरह से ही स्टोर करके रखती, इसमें कोई ना भूनना है ना कुछ करना है। मार्केट से आपको कसूरी मेथी लाना है और आपकी कसूरी मेथी क्रिंचनेस और कलर इसी तरह से हमेशा बना रहेगा। आपको एक साफ डिब्बा लेना है, एयर टाइट डिब्बा हो, उसमें सारी कसूरी मेथी को आप स्टोर कर लें। उसका ढक्कन बंद करके, डिब्बा एयर टाइट ही होना चाहिए, अच्छे से का डिब्बा बंद करके अपने फ्रीज में इसको स्टोर करके रखें। जब भी आप कोई डिश बनाएं तो इसको इस्तेमाल करें। ये तरीका मैं यूज़ करती हूँ।